राहुल गांधी का बिहार के रण में बीजेपी पर बड़ा हमला। जहां होते हैं चुनाव वहां दंगे कराती है बीजेपी। मोदी के विदेशी दौरों पर भी साधा निशाना। कहा विदेश में 16 बार कपड़े बदलते हैं मोदी। शिवसेना की धमकी के बाद गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द। शो के आयोजकों ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। 9 अक्टूबर को मुंबई में होने वाला था गुलाम अली का कार्यक्रम। और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा 2020 मैच आज। सीरीज पहले ही गंवा चुकी है टीम इंडिया। आज साख बचाने का आखिरी मौका। अक्षन पितरो अमी मदंत पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। और आप देख रहे हैं कल आज और कल। और पितृ देवो भव में हर दिन हम आपको बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं, श्राद्ध से जुड़ी हुई, तर्पण से जुड़ी हुई। और आज एकादशी श्राद्ध की आज पूरी जानकारी हम आपको देंगे। एकादशी श्राद्ध, और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं ऐसे दिवंगत लोग जिनकी उम्र रही 46 से 50 साल के बीच में, यानी कि हम कहेंगे घर के जिम्मेदार, घर के मुखिया, घर के बागबान। जी हाँ, ऐसे लोग जो कि घर की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि ये डोर हाथ से छूट गई। अब वो परिवार बेसहारा हो गया। अब किसके हाथ की छांव तले ये परिवार चलेगा? ये सारे जो दुख होते हैं एकदम से आ जाते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति का जब हाथ परिवार से निकलता है तो न जाने कितना बड़ा दुखों का पुलिंदा टूट जाता है उस परिवार पर। लेकिन ऐसे में क्या करेंगे हम, तर्पण की खास विधि जानेंगे ताकि दिवंगत आत्माएं जो इस उम्र की रहीं उनको शांति मिले। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य संतोषी जी। आज सबसे पहले हम उनका स्वागत करें। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शाहिदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी भूमिका आपने बनाया है। देखिए, सबसे पहली बात होती है दर्शकों की एक ऐसी अवस्था होती है जब पूरा परिवार उनके चेहरे को देखता है, उनके चेहरे की तरफ देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हाँ, एक सहारा हमारे पास है, एक छत हमारे पास है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं, बच्चे प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसे में अचानक उस घर के मुखिया का चला जाना, यह यकीनन आपके जीवन का वज्रपात रहता है। सबसे ज्यादा दुख उस महिला को होती है या उस पुरुष को होता है जिसकी जीवन संगिनी, जिसका जीवन साथी चला जाता है। क्यों आखिर ऐसा होता है दंश? यकीनन इसमें भी पितरों का ही कुछ न कुछ रोल है। पितृ अर्थात आपके जन्मांक का, जन्म कुंडली का सूर्य, पितृ अर्थात सूर्य की उपस्थिति, पितृ अर्थात सूर्य की मजबूती, पितृ अर्थात सूर्य के साथ अन्य ग्रहों का चमकदार होना जीवन के समस्त खुशियों का एकमात्र पर्याय सूर्य। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसके द्वारा समस्त ग्रहों को बल प्राप्त होता है। सूर्य आत्मा है, आत्मा निकल गया शरीर से, शरीर तो मिट्टी है, बचा ही क्या शरीर में। ये सारी जानकारियां आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। और आज गरुड़ पुराण से राम और कृष्ण के नाम की महिमा हम बताएंगे। इस नाम के साथ कैसे आपका मोक्ष जुड़ा है, बात करेंगे मोक्ष मंत्र में, इंतजार करिएगा।
और क्या क्या योग हैं आपके जन्मांक में जिसके कारण इस प्रकार का दोष आपके जीवन में आया कि पितरों का प्रकोप हुआ, पितरों का श्राप लगा और इस तरह से घर के मुखिया का बीच में अधर में मझधार में नाव को बेसहारा छोड़कर चले गए। सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है, इंतजार करिएगा, कागज कलम तैयार रखिएगा। जी हाँ आचार्य जी, बिल्कुल बात कर रहे हैं आयुष्य योग की, लेकिन साथ ही साथ आचार्य जी आपको वो उपाय भी बताएंगे जो इस तरह के योग को खंडित कर सकता है, अगर आप इस चीज पे पूरी तरह दृष्टि डाल चुके हैं कि ऐसे कुछ योग बन रहे हैं कुंडली में, बताएंगे ये पूरी खास जानकारी कुछ ही देर में। फिलहाल बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में, आपकी रक्षा के बारे में, यानी कि रक्षा कवच आज का और कल का। कुछ ही पल में बताने वाले हैं कि अगर आपके पितरों का श्राद्ध आज एकादशी का श्राद्ध है तो क्या खास प्रिय वस्तु के साथ रखें जिससे उनको तृप्ति मिले। रक्षा कवच आज के दिन हल्दी और सिंदूर मिला लीजिएगा और मिला करके किसी कागज आदि में रख करके किसी पीपल के नीचे रख दीजिएगा। यह आज यात्रा आरंभ करने से पहले कर लें और कल के दिन उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड में दो चुटकी चीनी रखें, फाकें उसको, खा लीजिएगा। कल शुक्रवार है, निश्चित तौर पर पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे, यात्रा सुखद रहेगी। और अब बात करेंगे आपके सक्सेस के बारे में, आपकी सफलता के बारे में, यानी कि वो कुंजी, वो चाबी जो आपको अपने साथ लेके जानी है और वो होगी उपाय के रूप में। जी हाँ, नोट कर लीजिए आज की और कल की सक्सेस की। कहीं पर भी इंटरव्यू आज देने जाने वाले हैं तो यह उपाय जरूर करिएगा संध्या वेला में, जिससे आप मिष्ठान लेकर घर प्रस्थान करें, अशोक के पत्ते पर अपना नाम लिख करके, अपने पिता का नाम लिख करके हल्दी से अपने पास रख लीजिएगा। जब शाम को आए, सिलेक्शन हो चुका होगा, तो आप मिठाई के डिब्बा जरूर लीजिएगा, लोगों को वितरण करिएगा। कल के दिन एक सादे कागज पर अपनी माँ का नाम लिखें, नाना का नाम लिखें और सरसों के तेल का उस पर छिड़काव मिडिल फिंगर से करिएगा और कागज को फोल्ड करके अपने पास रख लीजिएगा। अब आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। सिंहवई हैं हमारे साथ नंदूरबाग से, स्वागत है आपका सिंहवई जी। हाँ हेलो जी, हम मुझे अपने पति के बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनका। 19 सितंबर 1981। समय 7 बजे। जन्म का स्थान निझर। नियर बाई कोई डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, ये जानकारी नहीं है इसके बारे में। डिस्ट्रिक्ट मतलब गुजरात है? नहीं, वो तो स्टेट हो गया, प्रदेश। जिला कौन सा? जिला नंदूरबार। नंदूरबाग, हाँ। चलिए, क्या प्रश्न है? उनका नाम ओम प्रकाश जी। जी, आप सवाल पूछिए। सवाल मतलब हमारे घर कर्ज बहुत हो चुका है जी और बहुत परेशानी आ रही है और घर का मकान नहीं बन पाया अब तक। जी जी जी, चलिए, आपकी परेशानी महसूस कर सकते हैं। घर का मकान आपने प्रश्न ही किया है, घर मकान एक ही चीज होता है। देखिए, मीन लग्न है और बृहस्पति की महादशा चल रही है, इस महादशा में दुख ज्यादा मिलते हैं, दो राय नहीं। कर्ज की स्थिति के लिए आपके पतिदेव के जन्मांक में पंचमस्थ मंगल नीच राशि में और राहु के साथ, अब ऐसे कंडीशन में कर्ज तो चढ़ना लाजमी है 100%। बृहस्पति सूर्य शनि बुध चार ग्रहों की चौकड़ी सप्तम भाव को दूषित कर रही है, सारी स्थितियां विवाहोपरांत बढ़ गई हैं, दोष बढ़ा है। आपके लिए देवी जी, आप पत्नी के रूप में बुधवार का व्रत करिएगा और प्रत्येक शनिवार को पितरों के निमित्त कुछ आहार ले जाकर के जरूरतमंदों को खिलाना आरंभ करें। हर शनिवार यह लगातार करिएगा, निश्चित तौर पर कर्ज की स्थिति से कुछ मुक्ति मिलेगी और पतिदेव से कहें कुछ अपना कार्य करने के लिए विचार करें। तो आज एकादशी का श्राद्ध है और इसके निमित्त पितरों के श्राद्ध की पूरी विधि क्या होनी चाहिए, क्या है पितृ श्राद्ध में आज विशेष, आइए जानते हैं। आपके पितृ, आपके पूर्वज किसी भी समय एकादशी तिथि पर यदि दिवंगत हुए हैं, अपने प्राण त्यागे हैं, तो ऐसे में एकादशी तिथि आपके पितरों के लिए मुकर्रर की गई है, निर्धारित की गई है। क्या ऐसे में अपने पितरों को तृप्त करने के लिए खास उपाय करना है, यही अंतिम श्रद्धा है, श्राद्ध इसी को कहते हैं। नोट करें एक अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि।
भाव आपकी अंदर की वह आत्मा देख रही है। अगर आपके अंदर वह आर्त दुख भाव नहीं जागृत हुआ तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। प्रिय वस्तु को लेकर के अपने पितर की 108 दाना जौ का उसके अंदर डाल दीजिएगा। एक लाल धागा रखिएगा। सामग्रियों को बरगद के पत्ते पर रख दीजिए। 108 दाने जौ के, एक धागा लाल और जो खाद्य वस्तु है। काले तिल मिले हुए दीपक से आरती दिखाइएगा। एक दिया जलाइएगा, एक चुटकी उसमें काला तिल डाल दीजिएगा और उस सामग्री को आप आरती दिखा करके अग्निदेव को साक्षी मानना है कि आप अपने पितृ के निमित्त यह श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, और ले जाकर के नंगे पांव पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। पीपल का ही एक वृक्ष ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आत्माओं के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, इसीलिए आत्माएं पीपल के वृक्ष के पास ज्यादा आती हैं। प्रकारांतर से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों में खुद को पीपल का वृक्ष माना है, और कृष्ण के द्वारा ही गरुण को गरुण पुराण सुनाया गया, तो कृष्ण के द्वारा ही यह आत्माओं की मुक्ति का एक माध्यम है। सब कुछ कनेक्टेड है, शास्त्रोक्त भी और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ भी। नीचे रख करके एक बार प्रदक्षिणा कर लीजिएगा पीपल के वृक्ष की, प्रणाम करिएगा और वापस आ जाइएगा। निश्चित तौर पर यह कर्म आपके पितरों को लगेगा और आपके पितर यमलोक से यातना को भोग करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आप रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए आज दोपहर के कार्यक्रम की झलक। हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। Introducing two new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते। पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो ऐसी बात है जिसे जानना भर ही अपने आप में बहुत ही डराने वाली चीज है। जी हाँ, आयुष योग। कुंडली के अंदर कुछ ऐसे भाव हैं, ग्रह हैं, जिनका आपस में मिल जाना, युति हो जाना कुछ इस तरह का योग बना देता है जिससे आपकी आयु खंडित हो सकती है, अल्पायु हो सकते हैं। और जबकि बात आज हम कर रहे हैं जो लोग 46 से 50 वर्ष के लिए की उम्र के हैं और वो दिवंगत हुए, ऐसे कौन से योग बने थे कुंडली में जिनको काल का ग्रास बनना पड़ा इसके चलते। आइए जान लेते हैं आचार्य जी से आयुष योग। Oh,
46 से 50 वर्ष की अवस्था, यकीनन यही वो अवस्था है जब एक तरह से गृहस्थी सेट हो चुकी होती है, पूरी तरह से सेट हुई ही है कि अचानक से पितरों का प्रकोप पड़ा और निस्संदेह उनके प्राण पखेरु उड़े। अब क्या जन्मांक इसके बारे में पूर्व कुछ बता सकता है? यकीनन बताएगा, जन्म कुंडली और ग्रह ही तो ये संकेत दे सकते हैं, बाकी किसी के पास वो अतींद्रिय ज्ञान नहीं है जो यह संकेत पहले से बता सके। ये हम कुछ योग खुद के अनुसंधान से बता रहे हैं। अगर जन्मांक में किसी के यह मिले तो भयभीत नहीं होना है, बल्कि उपाय का इंतजार करिएगा जो ठीक इसके बाद हम बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज, मंगल के साथ चंद्रमा यदि नीच राशि में बैठ जाए, अब इसमें मंगल स्वग्रही हो जाएगा और चंद्रमा की नीच राशि रहेगी वृश्चिक। ऐसे कंडीशन में 46 से लेकर 50 के मध्य में आयु क्षय योग निर्मित होता है। खतरनाक है, कष्टदायक है, परिवार का एक सहारा 100% समाप्त होता है, पूरी तरह समाप्त होता है। चंद्रमा यदि 0 डिग्री का हो तो भी ऐसी कंडीशन बनती है कि कम उम्र में दिवंगत होने का योग निर्धारित हो जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़े, जैसे शुक्र ना देखे, बुध ना देखे, बृहस्पति ना देखे, तो यह योग परिपूर्ण होता है। यदि राहु चंद्र मंगल को पीड़ित करे, अर्थात ये तीनों ग्रह एक साथ हो या इन दोनों ग्रहों पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में राहु पीड़ित करता है। बुध पर अष्टमेश की दृष्टि हो, सूर्य पर अष्टमेश की दृष्टि हो, दोनों स्थितियों में जन्मांक खंडित, आयु क्षय कन्फर्म। यदि खष्ठेश की दशा में तृतीयेश की अंतर्दशा आए तो भी यह दोष निश्चित हो जाता है कि 46 से लेकर 50 के मध्य में कुछ दुर्घटना घट सकती है जिससे अचानक से वो सहारा छिन सकता है। लेकिन अगर बात हो ही गई है कि ये जो योग हैं वो आपकी आयु को खंडित कर देते हैं, 46 साल से लेकर 50 साल के वर्ष के जो भी लोग हैं, अगर इस तरह का कुछ योग, कोई भी एक योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो आइए चार्ज से उसका उपाय भी जान लेते हैं। मंगल और चंद्रमा से बनने वाला योग, तो इन्हीं दोनों ग्रहों को हमें संतुलित करने का उपाय करना है, प्रयास करना है, प्रयोग करना है। सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र ले लें, मिट्टी का बर्तन ले लें, कुल्हड़, मटकी, कुछ भी ले सकते हैं। उसके अंदर काले तिल और जौ का आटा मात्रा अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल दीजिएगा, 4-4, 6-6 चुटकी डालिएगा। इसके उपरांत यह डालने के बाद गंगा जल 108 बूंद उसके अंदर डाल दीजिए। गंगा जल डालने के बाद इस बर्तन के मुख को लाल कपड़े से बांध दीजिए और जिसके भी जन्मांक में इस तरह का दुर्योग है, बुरा योग है, उसके सिरहाने एक रात के लिए इस बर्तन को रख दीजिए। कपड़ा बंधा रहेगा, खुलेगा नहीं, और प्रातःकाल सूर्योदय की पहली किरण के साथ इसको ले जाकर के मस्तक से लगाकर और जल में प्रवाहित कर दीजिए। जल प्रवाह ही यहां पर अनिवार्य है, बहता जल ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन जल प्रवाह इसलिए जिससे चंद्रमा को हम यहां शीतल करें, चंद्रमा को हम शांत करें, चंद्रमा के निमित्त हम श्रद्धा भाव रखें। और यह श्राद्ध पर्यंत अर्थात 12 अक्टूबर तक कर दीजिएगा, अमावस्या तक करना जरूरी रहेगा, जिससे इसका फल कई हजार गुना ज्यादा मिले। और वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का, ये लगाते हैं सबसे पहले उन्हें नंबर। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए। थैंक यू सो मच मैम, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं नई दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी मीनाक्षी जी, राम राम आचार्य जी, राधे राधे। श्री राधे, राम राम। थैंक यू सो मच सर, आज आपने मेरा कॉल लिया, मुझे अपने बारे में पता करना है। जी, नाम है मीनाक्षी कपूर जी, डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 1978, टाइम 3 PM दोपहर के, प्लेस न्यू दिल्ली जी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरी शादी कब होगी और लाइफ कैसी होगी शादी के बाद, बच्चे वगैरह कुछ है। सेकेंडली सर, मेरी जॉब चली गई 2012 में और उसके बाद जॉब नहीं लगी है और कोई वो मतलब कॉल भी नहीं आती। और 11-2012 में ही मेरी मदर बहुत बीमार हो गई थी, वो थोड़ी ठीक हो गई है, पर अब फरवरी 2015 से मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार है। तो सर, घर के हालात मतलब हर रोज कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम आ जाती है और कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, तो आप प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कुंडली
मकर लग्न की है आपकी, चंद्रमा की महादशा है और यह महादशा 2006 से 16 तक चलेगी। 10 वर्ष की महादशा 12/12/2016 तब तक मीनाक्षी आपको संघर्ष यूं ही सहते रहना होगा। संघर्ष को सहना, यह शब्द पर आप जाइएगा, यह आपके जीवन का इस समय आधार बन गया है। चंद्रमा और शनि जन्मांक में आपके अष्टम भाव में है, महाविष योग। बस मृत्यु ना हो, बाकी मृत्यु तुल्य कष्ट प्रकृति देती रहेगी, लेकिन इससे आप बाहर निकल आएंगे। विवाह के निमित्त आपने प्रश्न किया है, फिलहाल जन्मांक में कोई योग हमें विवाह का नहीं दिख रहा है, जबरदस्ती हम उपाय बताते नहीं है, अर्थात कुंवारा योग हर तरह से दिख रहा है। प्रयास करना अपने हाथ में है। ओम ह्रीं गौरियै नमः इस मंत्र का जाप सर पे पीले रंग की चुन्नी रख करके केले के पौधे के नीचे करिएगा, शास्त्रोक्त है, शास्त्र में आया है, क्या पता बड़ों का आशीर्वाद लगे और विवाह का योग बने। परिवार में जिस प्रकार का दोष आपने बताया है मीनाक्षी, बुध राहु और सूर्य एक साथ नवम भाव को दूषित कर रहे हैं, बीमारियां घर का पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक पितरों की शांति ढंग से नहीं होती है। गया जी जाकर के अपने पिता से कहें, जब वो स्वस्थ हो जाएं गया में जाकर के पिंडदान करें, पितरों का आशीर्वाद लें, निश्चित तौर पर इसके बाद लाभ दिख जाएगा। और बस कुछ ही देर में हम आपको कर्म फल भी बताएंगे, ऐसे कौन से वो कर्म होते हैं जो आपको इस तरह की आपदाओं के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि वो सारी तमाम परेशानी आपके ऊपर आ जाती हैं, लेकिन जानना ही जरूरी है ऐसे कौन से काम आप जाने अनजाने कर बैठते हैं, बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल बात करेंगे बुरे समय के बारे में, यानी कि राहुकाल, वो समय जिस दौरान आपको नहीं करना है कोई भी नया काम, शुभ काम। नोट कर लीजिए आज का और कल का राहुकाल। दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक ये आज के राहुकाल का समय रहेगा, बचिएगा इस समय से, खतरनाक होता है। कल का प्रातःकाल 10:30 से 12 बजे तक, इस समय भी किसी भी तरह की यात्रा आदि के लिए प्रस्थान न करिएगा, दिक्कत बढ़ जाती है। और चलिए अब बात करेंगे शुभ समय के बारे में, यानी कि गुलिक काल के बारे में। आज का और कल का क्या है गुलिक काल जानते हैं। कार्यक्रम के ठीक बाद आज 9 बजे से लेकर 10:30 गुलिक काल का समय रहेगा, सब कुछ इस बीच कर सकते हैं। और कल का गुलिक काल प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, इस बीच में भी आप जो चाहें शुभ काम करें, हर काम आपके बने। ये सब हम जानते ही हैं कि हमारे कर्मों का कोई ना कोई फल जरूर होता है, अच्छे कर्म आपको अच्छे ही फल देते हैं, लेकिन बुरे कर्म आपको बुरे फल देते हैं, चाहे इसके लिए देरी ही कितनी लग जाए, लेकिन इसका फल आपको भुगतना ही पड़ता है। आइए जानते हैं कर्म फल में आज की क्या है खास जानकारी आचार्य जी से। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यह रामचरित मानस की पंक्ति है। कर्मण्येवाधि का रस्ते मा फलेषु, पूरे गीता का सार तुलसीदास ने एक पंक्ति में दे दिया है, यही से हमने उठाया है। सदैव अपने हक का खाएं, किसी को डराकर, झूठ बोलकर, किसी का हक मारकर खाना, उसका हड़पना, यह संतान के क्षय का कारण बनेगा, अर्थात हो सकता है इसके कारण आपको अपने संतान से दूर होना पड़ जाए, संतान आपसे दूर हो जाए सदा के लिए। इसलिए जीवन को दुखदायी न बनने दें, सदैव जो आपका अंश है, जो आपके हक का है, वही खाएं। अक्सर देखते हैं लोग सुविधा शुल्क का इंतजार करते हैं, तनख्वाह मिल रही है लेकिन किसी बूढ़े बुजुर्ग का आप हक मार रहे हैं, उससे कुछ घूस लेते हैं, उसका अंश लेते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, लेकिन मित्र मेरे, यह आपका कहीं न कहीं यही सामने आएगा, आपका संतान क्षरित होगा, आपके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा। अपना हक, सिर्फ अपना हक अपने साथ रखें। और कुछ ही दिन अब शेष बचे हैं जब वैकुंठ धाम हमारे पितर वापस जाने वाले हैं, लेकिन एक और मेहमान हैं जो जिनका हमें बहुत ही भव्य स्वागत करना है। जी हाँ, माता रानी हम सबके द्वार आ रही हैं, तो दिल खोलकर खुली बाहों के साथ हमें माता रानी का स्वागत करना है, हर वो जी तोड़ कोशिश करनी है जिसके चलते माता रानी हमसे प्रसन्न हो और ना जाने क्या क्या हमें हमारी झोली में दे के चले जाए माता रानी। ये नवरात्रि क्यों है खास आचार्य जी? बिल्कुल, देखिए इस बार की नवरात्रि, वैसे तो हर नवरात्रि अपने आप में खास होती है, माँ आपके करीब रहेंगी, ऐसा एक अवसर होता है प्रकृति की शक्तियों का, जब वाकई इस ब्रह्मांड में शक्ति ही शक्ति गूंजने लग जाती है, माँ एकदम से आपके करीब आती हैं। और रात्रि में बहुत कुछ ऐसा यूनिक कर सकते हैं हम, जब माँ का आशीर्वाद अपने ऊपर बरसा लिया जाए, जितनी विपत्तियां हैं, जितने भी दुख हैं,
वो सब हमसे जीवन भर के लिए दूर हो जाए। सच्चा दरबार, इसके अलावा सारे दरबार झूठे और मिथ्या, सच्चे दरबार की जय जयकार करनी है और सच्चे दरबार का स्वागत करना है। तो जरूर जुड़ेगा हमारे इस खास पेशकश के साथ मां का दरबार, और ये मां का दरबार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए न जाने क्या क्या लेकर आने वाला है। इन नवरात्रों को खास बनाने के लिए जरूर देखिएगा। फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक। हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है। तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing two new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, ये है कपड़ों की दुनिया जहां सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। लो ये कहा गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ। नहीं होता, ये ले फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। शोले बिछे हैं राहों में, धोनी का अग्निपथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 गुटों में आपसी झड़प, 2 कैदियों की मौत, 10 घायल, घायल कैदियों को DDU अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में बेखौफ घूम रहे हैं बदमाश, पुराना पालम रोड पर की प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। राजधानी दिल्ली में फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, ऑडी कार ने 2 साल के मासूम की जान ली, बच्चे की मौके पर ही मौत, दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके की घटना।
बिहार के रण में आज पीएम मोदी की हुंकार, मुंगेर, समस्तीपुर, बेगूसराय और नवादा में करेंगे ताबड़तोड़ चार रैलियां, 9 अक्टूबर को भी 3 रैलियां।